हेलो दोस्तों, मैं पूनम आप सभी का क्रेव किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बीटरूट जूस यूज़ करके लेयर्ड मटरी बना रहे हैं जो बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर 2 कप मैदा। इसी के साथ मैंने 4 टेबलस्पून प्योर घी के लिए हैं, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून चावल का आटा है, ये बिल्कुल ही बारीक है। इसी के साथ मैंने 1 चम्मच लिया है चाट मसाला, 1 चम्मच अजवाइन है, 1 चम्मच ये दरदरी कुटी हुई काली मिर्च है, और यहाँ पर मैंने आधा बीट को कद्दूकस कर लिया है। मैं इसका जूस यूज़ करने वाली हूँ हमारे नमकीन के लिए। इसी के साथ नमक हम यूज़ करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ऑयल हमें लगेगा फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले जो मैंने मैदा लिया है उसमें से मैं 1/3 कप मैदा जो है इसमें से अलग निकाल लूँगी। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और फिर अब हम इसका आटा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम प्लेन वाला आटा गूंद लेते हैं, उसके बाद मैंने जो आटा अलग निकाला है उसमें हम बीट का जूस डाल के आटा गूंदेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच और ऊपर थोड़ी सी और घी। इसी के साथ मैं इसमें अजवाइन डालूंगी, थोड़ी सी अजवाइन मैं बीट वाले आटे के लिए रख देती हूँ। इसी तरह जो कुटी हुई काली मिर्च है उसे भी मैं कुछ इसमें डाल देती हूँ और थोड़ा सा रख देती हूँ। चाट मसाला भी हम इसमें थोड़ा डाल देते हैं और बाकी उसके लिए रख देते हैं बीट वाले आटे के लिए, और नमक इसमें डाल देते हैं इसके स्वाद के अनुसार। हम अच्छे से मैदे को घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो घी है वो पूरी तरह हर जगह मैदे में लग जाए। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक आटा बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा डालिए पानी। इस तरह से हमारा आटा जो है वो गूंद लिया है मैंने। तो इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा तेल का हाथ लगा के इसे रेस्ट के लिए रख देती हूँ, और तब तक हम अपना दूसरा आटा गूंद लेते हैं। तो अब मैंने दूसरा आटा ले लिया है, इसमें हम बाकी बचा हुआ ये चाट मसाला, काली मिर्च और अजवाइन डाल लेते हैं। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी 3/4 स्पून बड़ा स्पून घी का, और हम घी को मैदे के साथ पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक भी डाल देते हैं इसमें और इसे अच्छे से हम घी और मैदे को मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले जो हमने बीट को क्रश करके रखा था उसका हम जूस निकाल लेंगे। तो मैं एक छन्नी ले इसे प्रेस करूंगी ताकि नीचे जो है वो बीट का जूस आ जाए। तो इस तरह से इसे प्रेस करके हम इसका पूरा जूस निकाल लेंगे। तो घी और मैदा जो है अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे बीट का जूस और इसके साथ हम इसे बाइंड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसे बाइंड करती हूँ जब तक पूरी तरह से ये अच्छे से आटा ना बन जाए। और अगर हमारा ये जूस कम पड़ता है तो हम थोड़ा पानी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बीट वाला आटा भी गूंद लिया है, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके इसे भी थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट के लिए रखते हैं। हम 10 से 15 मिनट इन्हें रेस्ट करने के लिए रख देते हैं और तब तक हम अपना साटा बना लेते हैं। तो साटा बनाने के लिए सबसे पहले हम ये 2 बड़े चम्मच घी के ले लेते हैं और इसे हम अच्छे से फेंट लेते हैं ताकि ये अच्छा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ मैंने चावल का आटा, घी और कॉर्नफ्लोर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और उसका एक ऐसा हमारा बैटर बन गया है। इसे अब हम लेयर्स में लगाएंगे हमारे नमकीन के। तो फ्रेंड्स, दोनों हमारे आटे को रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम ये जो व्हाइट वाला है इसके 4 हिस्से हमें करने हैं। तो पहले इसे हम आधा कर लेते हैं और फिर इनके हम 2 पार्ट्स कर लेते हैं। तो इस तरह से इसके हमने 4 हिस्से करने हैं, और जो पिंक वाला है हमारा इसके हम बनाएंगे 2 बॉल। तो इस तरह से हम इनके अच्छे से पेड़े बना लेते हैं। तो अब बोर्ड पे थोड़ा सा सूखा आटा डाल के हम इसे बेल लेंगे। इसे मैं बेल लेती हूँ। इसे हमने पतला बेलना है और इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है। तो इस तरह से मैंने इसकी एक रोटी बना रही है और इसका मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इतनी पतली है।
तो मैं बाकी की सारी जो है अपनी रोटियां इसी तरह से बेल लेती हूँ और फिर इसको कैसे लेयरिंग करते हैं मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से बोर्ड में मैंने सूखा आटा डाल लिया है और मैंने अपने ये बीट वाला जो पेड़ा है इसे भी थोड़ा सा सूखे आटे में रोल कर लिया है और इसे अब मैं अच्छे से पतला बेल लूंगी। तो हमने इसे जैसे हमने व्हाइट वाली की बनाई है रोटी उसी तरह से इसे भी पतला बेल के इसका भी एक बड़ा सा सर्कल बना लेंगे। तो इस तरह से चारों व्हाइट और दो जो हमारी बीट वाली हैं इन्हें हमने अच्छे से बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम साटा अप्लाई करके इसका एक रोल बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने व्हाइट वाली शीट रखी है, इसके ऊपर मैं 1 चम्मच ये डालती हूँ और इसे मैं अच्छे से हाथों से ही अप्लाई कर लेती हूँ। इक्वली सब तरफ हम इसे अप्लाई कर लेंगे। पूरी तरह इसके ऊपर लगा दिया है। अब इसके ऊपर मैं रखूंगी पिंक वाली शीट और इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और इसके ऊपर भी अब हम जो साटा बनाया है हमने उसे अप्लाई करेंगे। तो मैंने इसे पूरी तरह अप्लाई कर दिया है। इसके ऊपर अब मैं रखूंगी व्हाइट वाला, अच्छे से इसे ऊपर फैला देंगे और इसके ऊपर फिर से हम लगाएंगे हमारा जो हमने बना के रखा। अब इसके ऊपर हम फिर से व्हाइट वाली रखेंगे, यानी मैंने पहले रखा था व्हाइट, व्हाइट के बाद मैंने पिंक रखा है, पिंक के बाद मैंने व्हाइट रखा है और अब इस व्हाइट के ऊपर हम फिर से व्हाइट रखने वाले हैं। तो मैं व्हाइट वाले को इसके ऊपर रख लेती हूं और इसके ऊपर फिर से हम ये अप्लाई करते हैं और फिर इसके ऊपर अब हम रखेंगे पिंक। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर अब मैं रखूंगी पिंक वाला हमारा लेयर और पिंक वाले के ऊपर फिर से हम ये जो है मिश्रण इसे लगाते हैं। तो अब इसके ऊपर मैं रख रही हूं अपने लास्ट वाला लेयर और ये हमारा जो कंप्लीट हो गया है। तो इसे अब हम कर लेंगे फोल्ड। तो फोल्ड करने के लिए हम इसे इस तरह से रोल करना शुरू करेंगे। ये देखिए अपने इसे टाइट रोल करना है, बीच में गैप ना रहे। तो इस तरह से इसे हम, तो ये हमारा इस तरह से एक रोल बन के तैयार हो गया है। तो इस रोल को अब हमें थोड़ा सा पतला करना है, तो उसके लिए मैं बोर्ड पे थोड़ा सा सूखा आटा डाल लेती हूँ और इसे हम थोड़ा सा हाथों से ही ऐसे रोल करते हुए पतला कर लेंगे। तो मैंने इसे रोल करके इस तरह से थोड़ा पतला कर लिया है। अब हम इसके पीसेस कट करेंगे। तो पीसेस हम अपने हिसाब से, जैसे आपको बड़ा छोटा चाहिए उस हिसाब से आप इसे पीसेस में कट कर सकते हो। तो इस तरह से रोल के मैंने सारे पीसेस बना लिए हैं और ये पास में से आपको दिखाती हूँ कि इसके लेयर्स जो हैं बीट के वजह से अंदर से कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम एक जो हमारा रोल है हाथ में ले लेंगे, इसे थोड़ा सा हम शेप राउंड में कर देंगे और थोड़ा सा इसे हाथों से प्रेस करके हल्के हाथों से ही हम इसे बेल लेंगे। हमने इसे ज्यादा प्रेस नहीं करना है, ज्यादा प्रेस करने से जो हमारी लेयर्स हैं वो निखर के नहीं आएंगे। इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। और एक और तरीका है इसे बेलने का, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो जैसे ये पेड़ा एक कटा हुआ है तो इसे आप इस तरह से प्रेस कर लीजिए, इस तरह से प्रेस करके इसे थोड़ा सा यहां से दबा दीजिए और फिर बेलन की सहायता से इसे थोड़ा सा यहां से भी लंबा कर लीजिए और इस तरह से भी हम इसे बेल सकते हैं। तो मैं सारे जो पेड़े हैं इन्हें तैयार कर लेती हूँ और फिर इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से सारे नमकीन को मैंने हल्का सा बेल लिया है, मैंने कुछ इस तरह से लंबे भी रखे हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हो चुका है हमारा गरम, मैंने गैस को स्लो कर दिया है और इस तरह से मैं अपनी जो मटरियां हैं इन्हें ऑयल में डाल दूंगी तलने के लिए और हम इसे थोड़ी देर इसी तरह से रहने देंगे। जब तक ये थोड़ी सी फ्राई होके ऊपर ना आ जाए तब तक हम इसके ऊपर बस इस तरह से ऑयल जो है डालते जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो इसकी लेयर्स कितनी अच्छे से आई हैं, अलग अलग परत दिख रही है। तो इस स्टेज पे अब हम इसे थोड़ा सा टर्न कर लेंगे और इसे अब हम नीचे की तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ जो हमारी मटरी है हल्की गुलाबी हो चुकी है, तो इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसका ऑयल अच्छे से ड्रेन कर लीजिए, आप देखिए इसके लेयर्स कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में और बाकी के भी फिर हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने सारे नमकीन हमारे जो हैं उन्हें फ्राई कर लिया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। मैंने दोनों शेप के आपको बताए थे, तो ये फ्राई करने के बाद जो हैं इस तरह से दिख रहे हैं। मैं आपको एक तोड़ के बताती हूँ कि ये कितने खस्ते बने हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और अब तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसी नई रेसिपीज़ के लिए।